करें तो ये दायरा कितने दिनों तक जारी रहेगा, कब हम उम्मीद करें कि एक नया ब्रेकआउट हो और नई नई तेजी की शुरुआत होगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को जो सबसे बड़ा अभी नियर टर्म का चैलेंज है वो कोविड के यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अभी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर हम यूएस का डेटा देखें तो इन्फ्लेशन का डेटा बहुत खराब आया था। यहाँ पे भी काफ़ी कंसर्न्स है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले यू नो महीनों में आई थिंक इन्फ्लेशन का क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद होपफुली दिसंबर के बाद मार्केट्स विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग, हमारा जो यूनियन बजट होता है उसको मार्केट डिस्काउंट करने लगेगी। बट मोटा मोटी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ गए इससे यही अंदाजा आता है कि क्वार्टर थ्री भी काफी अच्छा होना चाहिए। फेस्टिवल क्वार्टर है तो इसका इम्पैक्ट भी कंपनी के नतीजों में आएगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस लेवल पे मार्केट में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड है और वैल्यूएशन भी बहुत भाग चुके हैं। तो मार्केट विल कंसोलिडेट और आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। तो आपको गिने चुने स्टॉक से ही अच्छी खासी अपसाइड आने वाले 6 से 4 महीने में मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखें। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में हमको लग रहा है कि कंटिन्यूड तेजी लगेगी क्योंकि डेफिनेटली कोविड के टाइम पे भी इन्वेंट्री के सेल्स बहुत अच्छी तरह से बढ़े हैं। और कोई भी कंपनी रियल एस्टेट कंपनी की बात करे तो सारे रियल एस्टेट कंपनीज ने प्री सेल्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई है। और हमारा मानना है कि जो मुंबई बेस्ड डेवलपर्स है जैसे कि सनटेक रियलिटी है, ओवरे रियलिटी है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो एक खरीदने का मौका जरूर बनता है। स्टॉक्स रियल एस्टेट स्पेस में बहुत जल्दी भाग चुके हैं लेकिन जिस प्रकार के अभी टेलविंड्स है सेक्टर के लिए, इंटरेस्ट रेट्स भी रिकॉर्ड लो लेवल्स पे पहुंचे हैं, प्लस यू नो डिमांड रेसिडेंशियल सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर साबित हो सकता है। और प्लस सबसे बड़ी बात कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे पिरामल साहब ने कहा है कि बड़े बिल्डर्स को ही फायदा हो रहा है और इसमें डेफिनेटली इनको मार्जिन और वॉल्यूम दोनों का बेनिफिट मिला है। तो आई वुड से बाय ऑन डिक्लाइंस और डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में कोई भी गिरावट अगर इन स्टॉक्स में आती है करेक्शन पे तो इनको इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में आ गया है वो आरपू को लेके है क्योंकि आरपू 104 रुपये से 109 रुपया हो गया, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो वोडाफोन में अभी भी जो पेंडिंग है और जो मार्केट्स इनकी अवेट कर रही है वो बेसिकली इनकी फंडिंग के ऊपर है। काफ़ी समय से मार्केट में ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि कई पी फंड्स इसमें निवेश करने वाले हैं, प्रमोटर्स भी इसमें पैसा डालने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये नतीजे तो इनलाइन है, थोड़े से इम्प्रूव जरूर है लेकिन अभी भी कंडीशन बहुत खराब है। हर क्वार्टर में अगर यू नो 7,100 या 7,200 करोड़ का अगर लॉस होता है तो कैश फ्लो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होते हैं और इनके लिए अभी 5G के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत बड़ा यू नो इन्वेस्टमेंट फेज अभी करना है इनको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश निवेश बिल्कुल ना करे क्योंकि फंडिंग जब तक फाइनलाइज नहीं होती तब तक स्टॉक में कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी नहीं क्योंकि मार्केट चाहेगा कि इसमें वोडाफोन या बिरला या टिपिकली कोई पी फंड अगर खुद पैसा लगाता है तो ही उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और तभी शेयर में एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। ओके, अविनाश, आपको लगता है छोटे निवेशक जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अब इन्वेस्ट कर पाएंगे इजीली? ये जो सर्विस सब स्कीम लेकर आई है आरबीआई, इसका फायदा उठाना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए छोटे निवेशकों को? देखिए, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दी है लेकिन अभी जिस प्रकार की तेजी हम इक्विटी मार्केट में दिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अभी शायद यू नो इन्वेस्टर्स इतने एंथुसियास्टिक ना हो क्योंकि ऑब्वियसली डेट और इक्विटी का जो ट्रेड ऑफ होता है वो तब होता है जब इक्विटीज थोड़ी सी अंडर परफॉर्म कर रही है और यू नो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तभी यू नो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की यू नो डिमांड बढ़ती है। बट जो इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत बैलेंस करना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा विकल्प है, वो डायरेक्टली अभी इस माध्यम से इक्विटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और इनके लिए जो पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी खरीदने का वो अभी एक रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया। तो नेट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इसका फायदा यू नो रिटेल निवेशकों को जरूर होगा और इनिशियली HNIs इसमें काम करेंगे, उसके बाद यू नो मास रिटेल भी शायद इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। मंदार और अविनाश, जाने का वक्त हो रहा है लेकिन जाहिर तौर पर वक्त हो गया है इस हमारे शो में ये जानने का कि कौन से आइडियाज आप लाए हैं। अविनाश, आप ही से शुरू करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आइडिया आप अगले हफ्ते के लिए हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? तो मित्र, मेरे पास 2 स्टॉक आइडियाज है और ये हफ्ते भर के लिए नहीं है, थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू के लिए। पहली कंपनी जो हमको पसंद है वो BCL इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है जो बेसिकली एथेनॉल और वेजिटेबल ऑयल में काम करती है।
इनफैक्ट कंपनी ने अपना फोकस एथेनॉल की तरफ मुड़ा है, और अभी सभी को पता है कि एथेनॉल का जो कंपोजिशन है वो अप्रैल 23 से 20% होने वाला है, तो इस बात से कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले साल 1400 करोड़ के रेवेन्यू में 45 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहले 6 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए, 900 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 38 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 30 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी, अगले साल 35-36 रुपए की अर्निंग आएगी, तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 से 12 महीने में आपको 275-280 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और दूसरी कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है सौमित्र, जिसका नाम है शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम्स, कैटलिक कन्वर्टर्स, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार के लिए सप्लाई करती है। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में। करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल पूरे साल का था। और जिस प्रकार का कैपिटल स्ट्रक्चर है, 6 करोड़ की इक्विटी पे कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर 6 to 12 months का नजरिया लेते हैं तो कंपनी डेफिनेटली अच्छी तरह से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करेगी, और करीबन 825-830 का टारगेट प्राइस रखिए। बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है और बेसिकली कैश पोजीशन काफी स्ट्रांग है, तो ये अच्छे फैक्टर्स है जो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल चलेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी बिल्कुल, तो करीब 6 महीने से साल भर का व्यू और BCL इंडस्ट्रीज और शारदा मोटर्स।